मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज यंग साइंटिस्ट. सो दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, देर विल बी नो होमवर्क ऑन दिस एक्टिविटी. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो ओनली केयरफुली. यंग साइंटिस्ट, सो वी हैव टू डू वन एक्टिविटी और वी कैन से द एक्सपेरिमेंट. सो दिट्स विल बी, दिस इज गोन बी अ फन एक्टिविटी. अ फाउंटेन एट योर फिंगर टिप. ओके, वी ऑल नो वॉट इज फाउंटेन एंड How can you create or we can say start or stop any fountain just by using a fingertip. So we are going to see in this video. What do you need for making a fountain or at your fingertip? A plastic bottle, a balloon, pieces of stiff plastic rub tubes. You may use pieces of straws or use refills, scissors, glue or adhesive tape. Okay, so these are the things that we need to make a fountain at our fingertip. So plastic bottle is there, balloon is there, pieces of stiff plastic tubes. Okay, you may use pieces of straws or use refill. Means here we can use refills and or straws. Okay, scissors, glue and tape. So how we can make fountain? Make a small hole in the lid of the bottle and insert a small plastic tube straw through the hole. Secure the tube with help of glue and adhesive tape. Means हमें क्या करना है, बॉटल जो प्लास्टिक की ली हुई है उसको उसके ऊपर एक लिड पे, मतलब बॉटल के ढक्कन पे एक होल करना है और उसके अंदर एक स्ट्रॉ या फिर जो रिफिल लेंगे हम लोग यूज़ की हुई वो वहाँ पे लगा देनी है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, देन सिक्योर द ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ द ग्लू और एडेसिव टेप. उसको लगाने के बाद एक टेप या फिर गम से हमें उसे चिपका देना है ग्लू से. मेक अ स्मॉल होल इन द साइड ऑफ द बॉटल नियर इट्स बॉटम. इंसर्ट द अनदर पीस ऑफ स्ट्रॉ or tube, straw or tube in the hole and secure it with help of glue and or adhesive tape. अभी जैसे हमने उस बॉटल के ढक्कन के ऊपर एक होल करके वहाँ पे स्ट्रॉ लगा दिया, वैसे ही हमें बॉटल के बॉटम से ज़रा ऊपर एक होल करना है और वहाँ पे भी एक स्ट्रॉ लगा के टेप से चिपका देनी है. Now place a balloon in the bottle and fit its mouth on the rim of the bottle as shown. Okay, now what we have to do, we have to place one balloon. As you can see in this picture, we have to place one balloon on the top of the bottle. Okay, as shown in the picture, a balloon is made up of plastic, so we can easily place it without using any tape or any gum. Now suck through the hole in the side of the bottle. What do you see? Yes, the balloon gets inflected inside the bottle. अब हम जो यहाँ से हवा भरेंगे, means side से अगर blow balloon में blow करेंगे, so what we can see, the balloon gets instructed. Okay, inflated means balloon में हवा भरती है. अब हम side से हवा भर रहे हैं तो बलून के अंदर कैसे हवा भर रही है. नाउ कवर द होल इन द साइड विथ फिंगर टिप. ओके, पोर वाटर इनटू द बलून. अभी हमें क्या करना है, साइड से जो साइड का जो ये है, जो होल है, पाइपलाइन जो हमने बनाई है, तो उसे फिंगर टिप से कवर करना है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, इस फिंगर टिप से कवर कर लिया है. और ए स्टेप इज पोरिंग वाटर इनटू द बलून. बलून के अंदर पानी डाल देना है. पुट द लीड विथ द स्ट्रॉ द बॉटल एंड स्क्रू इट ऑन टाइट. अभी हमें क्या करना है, वो बॉटल का जो ढक्कन था जो साइड में हमने बना के रखा हुआ था, तो उसे बॉटल के ऊपर लगाना है, एज यू कैन सी इन द लास्ट पिक्चर, एंड टाइटली बंद कर देना है. नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम दिस साइड होल. व्हाट डू यू सी, अ फाउंटेन लीपिंग आउट ऑफ द स्ट्रॉ इन द लिड.
अब हम साइड से फिंगर हटा देंगे तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर से फाउंटेन निकलता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नोट हाउ लॉन्ग योर फाउंटेन लास्ट, और हमें ये देखना है कि हमारा फाउंटेन कितनी देर तक रहता है। ओके, नाउ एज वी हैव सीन द फाउंटेन एट आर फिंगर टिप, सो हाउ ये पॉसिबल कैसे था, क्योंकि पहले हमने उसमें हवा ब्लो करी, उसके बाद क्या हमने उस हवा को अंदर ही पैक कर दिया, एंड उसके बाद जब ऊपर से प्रेशर आया एंड हमने हवा छोड़ी तो हवा रिलीज हुई और साथ ही साथ और हवा उसके अंदर आई, तो फिर वो सब जगह से निकलने की कोशिश करने लगी और बलून के ऊपर प्रेशर आया और सारा का सारा पानी ऊपर के जो होल था, स्ट्रॉ था, उससे बाहर निकल गया। सो दिस वॉज द फाउंटेन एट योर फिंगर टिप। नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट विल बी अ शावर एट योर फिंगर टिप। वी ऑल नो वॉट इज शावर, वी कैन से रेन, स्मॉल रेन वी कैन से। सो हाउ कैन वी डू दैट, फाउंटेन देख लिया, अब शावर कैसे करना है। वॉट यू नीड, ए कैन विथ वाइड बेस एंड टाइट लीड, अ नेल एंड द हैमर। अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए, ए कैन चाहिए। ओके, अ कैन विथ वाइड बेस मीन्स उसका बेस बड़ा होना चाहिए। ओके, एज यू कैन सी, एंड टाइट लीड, लीड कैसी टाइट होनी चाहिए, एंड नेल चाहिए, खिल्ला चाहिए, और एक हैमर हथौड़ा चाहिए। हमें करना क्या है, वॉट डू यू डू, मेक अ होल इन द बेस ऑफ द कैन यूजिंग द नेल एंड द हैमर। ओके, हमें बेस के ऊपर होल्स करने हैं, टेक एक सिंगल होल करना है, टेक नॉट टू हर्ट, टेक केयर नॉट टू हर्ट योर फिंगर, और ये प्रिकॉशंस लेनी है कि हमें हमारी फिंगर को हर्ट नहीं करना है। मेक अ नंबर ऑफ टाइनी होल्स इन द लीड ऑफ द कैन एज शोन। ओके, वी हैव टू मेक वन सिंगल होल, देन वी हैव टू मेक सो मैनी मीन्स मैनी होल्स। ओके, सी दैट योर होल्स आर इवनली स्पेस्ड एंड एज इन अ सीव। ओके, मीन्स हमें फिंगर जो होल्स करने हैं वो उसको इवनली करना है, मीन्स वो ऐसे नहीं कि एक साथ दो होल कर दिए तो वो एक होल बड़ा हो गया। वी एवरी होल शुड बी पर्टिकुलरली इक्वल। नाउ कवर द होल इन द बेस विथ योर फिंगर टिप, फील द कैन विथ द वाटर। ओके, और हमें क्या करना है, जो बेस में हमने होल किया है उसे हमारे हाथ से, हमें जो नीचे एक होल किया था, ओके, सो उसे हमारे हाथ से हमें क्या करना है, कवर अप करना है, और ऊपर से पानी डाल के पुट द लीड विद होल्स ऑन द कैन, और दूसरी वाली जो लीड थी वो बहुत सारे होल्स वाली, उसको उसके ऊपर वाले हिस्से पे लगा देना है पानी डालने के बाद। देन इन्वर्ट द कैन स्टिल होल्डिंग द फिंगर ऑन द होल, और फिर उसे क्या करना है, उल्टा कर देना है। ओके, एज यू कैन सी उसे उल्टा कर देना है, लेकिन ऊपर की फिंगर हटानी नहीं है हमें, जो ऊपर एक होल करके फिंगर रखी हुई थी। ओवर द प्लांट रिमूव योर फिंगर, नाउ इनवर्ट द कैन बट स्टिल होल्ड द फिंगर ऑन द होल, होल्ड द कैन ओवर अ प्लांट एंड रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द होल, वॉट डू यू सी। अब हमें क्या करना है, एक प्लांट के ऊपर जो हमारे होल्स वाली साइड है वो रखनी है, एंड वो जो ऊपर वाली फिंगर जो हमने रखी थी एक सिंगल होल के ऊपर वो हटा देनी है। वॉट वी कैन सी, नाउ पुट योर फिंगर ऑन द होल अगेन, वॉट हैपन्स। अब देखो, पहले शावर गिरना शुरू होता है, जब हम फिंगर हटाते हैं तब शावर गिरता है, देन हम फिंगर फिर रख देते हैं, द शावर स्टॉप्स। अगर वी वैन वी कीप आर फिंगर द शावर स्टॉप्स। यूज़ द होम मेड वाटर कैन टू वाटर टाइनी प्लांट्स, कैन यू थिंक ऑफ एनी वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट्स इन दीज टॉय फाउंटेन्स, ट्राई देम आउट एंड राइट योर ओन ऑब्जर्वेशन। यू नो दैट देर इज एयर ऑल अराउंड अस, दो वी कैनॉट सी इट और फील इट और स्मेल इट ऑल टाइम, इन बोथ दीज फाउंटेन्स इट इज इनविजिबल एयर दैट पुशेज द वॉटर द बलून। यू विल लर्न मोर अबाउट वेन यू स्टडी साइंस इन
higher classes. Okay, so this was the experiments, we can say observation, that in the both of the cases air was there which was helping balloon or water to get fountained or we can say showered. So दोनों ही केसेस में एयर ने अपना काम किया है. सो यू शुड यूज होम मेड शावर फॉर योर प्लांट्स, ओके, फॉर वाटरिंग योर प्लांट्स. सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट. इफ यू वॉन्ट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम अंडर योर पेरेंट्स और एल्डर्स ऑब्जर्वेशन ओनली. ओके, सो देर विल बी नो होमवर्क ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यंग साइंटिस्ट, एज इट इज एन एक्टिविटी. If you want to do it, you can do it yourself. Thank you.